लोग कहाँ से होता है, एक ये लोक होता है और यहाँ पर से लोक होता है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर लगा दो बाल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। इसमें आपको बताएंगे इसकी फैन बेल्ट किस तरीके से चढ़ानी चाहिए। तो ए टू जेड बताएंगे एडजस्टर कहाँ पर लोक होता है, एडजस्टिंग कहाँ पर से करनी चाहिए, ठीक। तो ए टू जेड फिटिंग आपको बताएंगे इसका एडजस्टर होता है कहाँ पर, इसमें दो होते हैं वो लॉक करने वाले। तो आपको बताएंगे किस तरीके से कहाँ पर क्या लॉक होता है। आपको मैंने उसमें वीडियो फुल डिटेल दे रखी है, इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो वहाँ से। तो आप वीडियो एंजॉय करिए, देखिए उसमें आपको वीडियो एंजॉय करिए, ठीक। आपको दिखा दें किस तरीके से फैन बेल्ट फिट होती है। ये देखिए इसका ये मेन पुली है, वेयरिंग है, एडजस्टर है, अल्टरनेटर है, वेयरिंग है और पावर स्टीयरिंग पंप है ये, ठीक है। ये तीन जगह से इसकी फैन बेल्ट चढ़ती है। तो आपको दिखा दें किस तरीके से, ये है इसका फैन बेल्ट इसकी, ठीक है, इतनी लंबी है। तो आपको दिखा दें किस तरीके से चढ़ेगी ये फैन बेल्ट। पहले तो आपको यहाँ पर ये यहाँ पर एल्टामी लगा के इसको एडजस्टर को इधर खींचना है। लोक कहाँ से होता है, एक ये लोक होता है और एक यहाँ पर से लोक होता है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर लगा दो बाल और इसको खींचोगे ऊपर की साइड में। आपको दिखा दें इस तरीके से खींचोगे, ठीक है। तो यहाँ पर करके ये फंस गया वहाँ पर और इस तरीके से एक लोक फंस जाएगी इस जगह पे। बाल यहाँ पर फंस सकते हो आप, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर फंस सकते हो इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर लोक करके यहाँ पर फंस जाएगा, ठीक। तो इसकी बेल्ट चढ़ेगी आसानी से। आपको दिखा दें पहले यहाँ पर हम इसको लोक करेंगे और यहाँ पर से इसका बाल फंस देंगे, फिर अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें दो बाल की जरूरत पड़ती है, दो दस नंबर के दो बोल्ट लगा लो या बाल लगा लो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर पर्क करके लोक यहाँ पर लगा दिया एक बाल, यहाँ पर अभी इसको उठाएंगे तो इसमें बाल फंस देंगे, फिर अभी आपको दिखा रहे, ठीक। इसको अल्टामी को ऊपर उठाएंगे, ये यहाँ पर फंस जाएगा, देखिए इस तरीके से फंस जाएगा, ठीक है। तो इसको हम खींचेंगे तो ये एडजस्टर ऊपर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोक कर लेंगे, बेल्ट आसानी से चढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसको इतना करके फिर आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर ये फंस लिया है, इसको हमने उठाया तो ये फंस गया, ठीक। अब लिखेगा नहीं, जब हम इसको खींचेंगे तब ये लिखेगा। तो हमको करना क्या है, ये देखिए ये वाला जो लोक हमने फंसी थी वो फ्री हो गई है, इस तरीके से फ्री हो गई, ठीक है। तो अब इसके में लोक फंस के फ्री कर दी इसको, यहाँ पर फ्री हो गया है। और अब इसके में बेल्ट चढ़ा देंगे, बेल्ट तो मैंने आपको दिखाई दी थी, इसकी बेल्ट चढ़ाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कहाँ किस तरीके से कहाँ कहाँ चढ़ती है, ठीक है। बेल्ट चढ़ाएंगे फिर आगे फिटिंग आपको दिखा देंगे। देखिए हमने बेल्ट चढ़ा दी है, इस तरीके से बेल्ट चढ़ती है इसकी। और हमने भी इसकी लोक नहीं लिखाई, लोक आपको दिखा दी किस तरीके से लिख करती है लोक, ठीक। तो लोक लिखा दी, देखिए यहाँ पर मैंने फंस लिया अल्टामी, तो हमने हैंडल फंस लिया। अब इसको हम देखो ऊपर उठाएंगे, एक हाथ से उठा लेंगे, एक हाथ से बन नहीं रहा, ठीक है। देखिए ये लोक फ्री हो गए, ठीक ना। हम इसको खींच लेंगे इधर, खींचने के बाद इधर बाहर निकाल लेंगे इसको लोक को, फिर बेल्ट अपने आप एडजस्टर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक हाथ में मेरा मोबाइल तो अभी बन नहीं रहा, तो हम इसको लोक को लेकर के फिर अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। मैंने फैन बेल्ट चढ़ा दिया, आपको दिखा देंगे किस तरीके से फैन बेल्ट चढ़ाई मैंने। ये मेन पुली हो गई, वेयरिंग हो गया, फिर यहाँ पर आ जाओ, ये वेयरिंग हो गया, फिर एडजस्टर है, एडजस्टर बेयरिंग पर रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके एडजस्टर के नीचे रहेगा, बेयरिंग के नीचे, और इधर इसके नीचे से आ जाओ, फिर ऊपर यहाँ पर अल्टरनेटर पर रहेगा, फिर अल्टरनेटर से इधर एक बेयरिंग पर रहेगा, बेयरिंग पर से फिर पावर स्टीयरिंग पर चलाइएगा, ठीक है। ये जो नीचे से गई है, यहाँ से गई है एक बेयरिंग पर, इसके नीचे से गई है, फिर अल्टरनेटर पर आइए, ठीक। देख सकते हो इस तरीके से बेल्ट चलती है इसकी, स्कॉर्पियो एम हॉक, ठीक है। तो इसकी फैन बेल्ट चढ़ गई, ओके। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।